हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज अ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल ऑफ द प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें नोटबुक और पेन के प्राइस को लेते हुए इसको एक इक्वेशन में प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मान लो मेरी नोटबुक है। ठीक है, नोटबुक, इस बुक का जो भी प्राइस है मुझे नहीं मालूम, और ये मेरा कोई पेन है। ठीक, इसका क्या प्राइस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो नोटबुक का प्राइस है ना, वो इसके प्राइस से क्या है, डबल है। अगर मान लो ये 5 रुपये की है तो ये कितने की है, 10 रुपये की। अगर ये मान लो 15 रुपये का पेन है तो नोटबुक कितने की होगी, 30 रुपये की। दोनों में रिलेशन ये दे रखा है, जो भी इसका प्राइस होगा नोटबुक का प्राइस क्या होगा, डबल होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट कॉस्ट या प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, पेन का प्राइस मान लिया मैंने एक्स रुपीज़ है, कितना है एक्स। तो जो नोटबुक का प्राइस होगा, नोटबुक प्राइस, ठीक है, इसे क्या मैंने मान लिया, वाई रुपीज़ मान लिया। मैं चाहता हूँ दोनों को इक्वल करना, ठीक है, पेन के प्राइस को और नोटबुक के प्राइस को दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ। दोनों इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये 5 का है तो ये 10 का है, हमें दोनों को बराबर करना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर इसके प्राइस को डबल कर दूं तो इसके प्राइस के बराबर आ जाएंगे। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो 15 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें यही तो प्रेजेंट करना था, खाली लीनियर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना था, वो मैंने कर दिया, हो गया क्वेश्चन हमारा कम्पन। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने पास में रखें। इसमें बोला गया हमें अलग अलग टाइप की इक्वेशन दे रखी है, जिसे हमें ax by प्लस सी इस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करके इसमें से ABC हमें बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो जिसमें पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x 3y इज इक्वल टू 9.355 ये क्या है, बार। तो ये प्लस का है, सबसे पहले इसको इधर लेके आएंगे, 2x 3y इज इक्वल टू 9.35, ये प्लस का इधर इसको आ गया, माइनस का इस गोल्ड में क्या बचा, 0। ठीक है, अब जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर दिस टू दिस, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, a बराबर मेरे कितना है 2, बी वाई से वाई गया, बी बराबर 3, और सी बराबर कितना है, माइनस का 9.35 बार। मेरे को सिर्फ ABC की वैल्यू ही बतानी थी। पहला पार्ट मेरे यहाँ पे हो गया, अब डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। यहाँ दे रखा है x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इक्वेशन को रखता हूँ कंपेयर करने के लिए। इसके लिए ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब कंपेयर करते देखो, साथ में कुछ भी नहीं, क्या मान लेते हैं 1, ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1, कुछ भी नहीं 1 मान लो, बी बराबर, देखो वाई से वाई कैंसिल हुआ, बी बराबर, अगर माइनस आ रहा तो माइनस 7 में लेना है, माइनस का 1/5 सी माइनस का 10, ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट मुझे दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, प्लस का इसको इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वेशन क्या है मेरी, ax by c इज इक्वल टू 0, a बराबर कितना है, माइनस 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस का 6। ये मेरा तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट, x इज इक्वल टू 3y, प्लस का है इधर, एक्स का हो जाएगा माइनस का। मेरी इक्वेशन होती ax
बी वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ में कुछ भी नहीं है, क्या मान लेंगे वन, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस थ्री, सी कांस्टेंट नंबर तो है ही नहीं तो ज़ीरो मान लो, बस हो गया। पांचवा पार्ट, टू एक्स माइनस का फाइव वाई, ठीक है, माइनस का फाइव वाई इधर एक्स का हो जाएगा प्लस का, ठीक, ए एक्स बी वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए बराबर दो, बी बराबर फाइव, सी कुछ भी नहीं, क्या मान लेंगे ज़ीरो। सिक्स पार्ट, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरी इक्वेशन होती है ए एक्स बी वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स के साथ में तीन दे रखा है तो ए बराबर तीन, वाई वाली टर्म तो है ही नहीं तो बी क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वाई वाली टर्म के जो साथ में होता है वो होगा बी, कांस्टेंट नंबर यानी अकेला नंबर कौन है दो, सी हो गया दो। सेवन पार्ट, वाई माइनस दो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, इक्वेशन होती है ए एक्स बी वाई सी प्लस ज़ीरो, इसके साथ तो एक्स वाली टर्म है ही नहीं तो एक्स वाली नहीं है तो ए बराबर ज़ीरो, बी बी बराबर वन और सी बराबर माइनस का दो, यही मुझे निकालना था, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।